पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी नवे खेती कानूनों नूं लैके। दस दिए कि इसके खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी नवे खेती कानून लैके। सीएम कैप्टन का वड्डा बयान सामने आया, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा नवे खेती कानूनों खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राज्यपाल ने विधानसभा च पास हुए बिल राष्ट्रपति नूं नहीं भेजे। इन्हां दा कहना कि राज्यपाल दे विधानसभा दे विच जिहड़े बिल पास हुए ने ओह राष्ट्रपति नूं नहीं भेजे, विधानसभा च पास हुए कानूनों नूं लैके सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और असी मूव करांगे सुप्रीम। वी रिजेक्ट दिस बिल्स आउटराइट एंड असी अपने बिल्स पास किए ने। अगर गवर्नर साहब की ड्यूटी बनती सी कि साडे जिहड़े बिल्स ने वो बिलों अपनी अगे फॉरवर्ड करन राष्ट्रपति जी नूं ताकि राष्ट्रपति जी फैसला करन, नहीं की। अज भी राजभवन के पे ने और दीज बिल शुड हैव गॉन टू राष्ट्रपति भवन और उत्थे राष्ट्रपति जी ने देखना चाहता सी लेकिन नहीं की। देयरफॉर साडे कोई होर ऑप्शन नहीं है, वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। असी अपने तरफ तो असी क्या होया है, असी थोड़े कानूनों नूं नहीं मानते, असी रद्द करते अपने असैम्बली, असी पास अपने बिल करते उत्थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सोचना चाहिए था, इट्स नॉट ओनली पंजाब, अज पंजाब हरियाणा राजस्थान छत्तीसगढ़ उत्तराखंड यू नेम इट केरला ताईं तो लोग उत्थे किसान आए हुए हैं। और कहते हैं कि कानून तुसी रद्द करो वापस करो, तो वापस कर दो। उस तो बाद उन्होंने कमेटी नाल बह के जेड़ा कुछ तुसीं वो करना चाहते हो तुसीं यू कैन वर्क आउट विद दम। लेकिन वंस एंड फॉर ऑल शांति लियाउण वास्ते, लोगों नूं ठंड पहुँचाउण वास्ते और किसानी नूं वापस अपने घरां च भेजण वास्ते अगर अपील करना तो करो अपील। तो पंजाब अंदर खेती कानूनों लैके सीएम कैप्टन बोले ने, दस दिए कि पंजाब दे विच कोई खेती कानून लागू नहीं है। जो इल्जाम लगाए गए ने जिसते सवाल चुके गए सी आम आदमी पार्टी के वलों, तो साफ तौर पर उसने सीएम कैप्टन ने कहा कि पंजाब दे विच कोई भी खेती कानून लागू नहीं है। पार्थ पुष्पराशु के बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, पार्थ पुष्पराशु के बयान नूं, पंजाब दे अंदर कोई खेती कानून लागू नहीं हैं। तो पार्थ पुष्पराशु के बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, साफ तौर पर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत एजेंडे तहत विरोधी गुमराह कर रहे हैं। दस दिए कि दिल्ली के राघव चड्ढा के वालों वर्चुअल तरीके दे नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसते बाबत जिस दे विच उन्होंने साफ तौर पर निशाने साधे और कहा कि कैप्टन सरकार जानबूझ के मिली भुगत कर रही है। पूरी रिपोर्ट लिखी है, आई हैव गॉट अ फुल रिपोर्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेस और ये आशु जी ने गल कदे नहीं कही। एक अखबार ने चक्की है, वो पता नहीं क्यों मिसचिप करना चाहता सी अखबार उन्हें चक्की है और उस अखबार तो सारे ने चकनी। मैं समझदा कि दिस इज़ इररिस्पोंसिबल रिपोर्टिंग अगेन। अखबारों नूं जदों इहो जिहे सेंसिटिव इशूज़ आउंदे ने अपने आप उन्हां नूं दे शुड गो एंड अपने आप पता करना चाहिए अपने बंदियां तो कि सही है या नहीं सही। और वो कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर एक मेरा पहला स्टेट है पंजाब जी ने सेंट्रल लॉज तो बाद अपना अपना इजलास बनाया, उहदे विच असीं अपने बिल पास किए उन्हां दे रद्द किए और आशु जी भी मेरे मिनिस्टर उहदे विच उत्थे ही बैठे। हाउ कैन दिस मिनिस्टर मेक सच अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ मिसचीवियस स्टेटमेंट है, मिसचीवियस रिपोर्टिंग है।